तेलंगाना में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीएसपी की एंट्री से नए समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मायावती की पार्टी तेलंगाना में चुनाव लड़ेगी तो इसका असर किस पार्टी पर कितना होगा और किस पार्टी के वोट बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस को शक है कि तेलंगाना में मायावती की तैयारियों के पीछे बीजेपी का हाथ है। साथ ही कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि बसपा के तेलंगाना आने की दो वजहें हो सकती हैं। पहला यह कि कांग्रेस के साथ दलितों के जुड़ने को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरा, इसकी एंट्री से चुनाव केवल मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति बनाम कांग्रेस नहीं रह जाएगा। ऐसे में अगर वोट टूटते हैं तो इसका कुछ फायदा बीजेपी को हो सकता है। इसी वजह से चर्चा है कि पिछड़ा समुदाय के जन समर्थन में सेंध से बचने के लिए तेलंगाना में कांग्रेस कर्नाटक जैसा घोषणा पत्र जारी कर सकती है। कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी मानिक राव ठाकरे का कहना है कि हमारे घोषणा पत्र की गारंटी में खास तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों पर जोर होगा। इसी के तहत हमारे कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। हमारा फोकस अम्बेडकर पर होगा। मायावती के बढ़ते कदमों के साथ ही कांग्रेस ने दलित और अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी पर ध्यान लगाने का फैसला किया है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के बाद एक और दक्षिण भारत राज्य में जीत की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो हर कदम और हर तैयारी बेहद सटीक ढंग से कर रही है। यही वजह है कि मायावती की काट निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दलितों को साधने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतारा है। और इसे इसी से समझा जा सकता है कि खड़गे ने भी हैदराबाद में बीआरएस पर हमलावर होने के लिए अंबेडकर जयंती को चुना था। दरअसल उस दिन राव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने वाले थे, जिसके जवाब में कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम तैयार किया था। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि मायावती के तेलंगाना एंट्री के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ हो सकता है। वैसे भी बीते काफी समय से कांग्रेस पार्टी मायावती पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अगर तेलंगाना का चुनाव कांग्रेस बनाम केसीआर होता है तो पार्टी कांग्रेस के दलित वोट बैंक में मायावती के जरिए सेंधमारी कर सकती है।